एहमद अहून सली रसूल करीम अम्माबाद फ़ाउज बिल्लवानीम बसमिल्लरहमानी हड़ताल वर्किया हसब ज़रूरत लेकर उसको आठ से दस घंटे तक नमक के दाबू में पका लें नमक के दाबू में पकाने का तरीका ये है आमले का पानी आज कल आमला बहुत आया हुआ है तीन किलो आमला का पानी निकाल लें और उसके अंदर एक किलो ये लोहरी सुरख वाला नमक खुद कूट पीस कर इसके अंदर रेख जंतर पकाएं जब यह पानी खुश्क होगा तो ये आपका दाब नमक तैयार हो जाएगी हसब ज़रूरत लेकर आठ से दस घंटा तक तोला तोला की डलियाँ इसमें पकाकर कर कायम कर लें यह यकूत की तरह सुरख रंग की निकलेगी अगर आपको इसके उड़ने का डर है आग के बदतदरीज होने का तो अलमूनियम फाइल के छः सात तय लगा कर उसके अंदर लपेट कर बिल्कुल लंगी ना रहे उसमें पका लें ये हंड्रेड परसेंट अपने हुजम में सुरख रंग की या कूद की तरह निकलेगी अब इसमें एक तोला पारा एक तोला दार चिकना एक तोला ये वर किया तीनों चीजों के जोहर उड़ाएं और इन जोरों को तैनशीन कर लें अब आपने सबसे पहले दाबू में रस्कपुर कैम कर लेना है और अब नशादर के तदाब के साथ खल करके नशादर के तेल या मुनिया के साथ खल कर कर इसको चांदी पर मारेंगे तो चांदी आपकी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल अपना काम दिखा देगी और अगर चांदी पारे की हो तो क्या कहने लेकिन अगर पारे की ना हो तो बाजारी चांदी एक तोला पर चरखा कर उस पर एक ग्राम ये मारें आपको इनशाला तला तीन से चार ग्राम रेता मिलेगा इसको आप हम लान करेंगे तो ये मकबूल बाजार होगा इस वर्किया कायम के साथ में आपको मैंसल कायम का एक नुस्खा पेश करता हूँ पचास ग्राम हिंग खालस पचास ग्राम रेवन चीनी का पाउडर रेवन चीनी के पाउडर को बिल्कुल कपड़ छान करके इसके अंदर मैंसल को रख के तीन पुट देने हैं मेंसल मैंसल बन जाती है इस मैंसल को जस्त पर मारेंगे तो जस्त आपका कायम होकर दाबू बन जाएगा एक कपड़ मिट्टी को मिट्टी के पानी में भगो इसको ज़्यादा मिट्टी नहीं लगानी है एक कप पर मिट्टी करनी है गोली पर लपेट कर आप इस दाबू में गोली रख कर पकाएंगे। तो इन शाली ये गोली पककर आपकी रत्ती तोला अक्सर बन जाएगी वमाल बलागुलमबीन